हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पहल वर्कबुक क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 19, वर्कशीट नंबर 20, असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देखेंगे एंड वर्कशीट 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट 18 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं, असेसमेंट नंबर 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। अगर आपने किसी कारणवश वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है कैन यूज प्रोनाउन ही शी इट। यहाँ हम सीखेंगे ही शी इट प्रोनाउन जो है इनका यूज किस तरह से किया जाता है सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंस में हम यूज करना सीखेंगे इन्हें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है एक गर्ल, तो यहाँ लिखेंगे गर्ल के लिए यूज होता है शी, शी इज अ गर्ल। नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर में है एक बॉय, यहाँ लिखेंगे बॉय के लिए हमेशा यूज होता है ही का, ही इज अ बॉय। थर्ड में है एक बॉटल, वाटर बॉटल, तो यहाँ एक थिंग है, यह है चीज है, तो इसके लिए यूज करेंगे इट का। ये ध्यान रखिएगा अगर कोई लाइव पर्सन है या गर्ल है, वुमेन है, उनके लिए ही शी का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम किसी भी थिंग के लिए यूज़ करेंगे इट का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ वाटर बॉटल। फोर्थ में है एक बच्चा क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो बच्चे के लिए यूज़ करेंगे ही का, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट फिफ्थ है एक पेन जो कि थिंग है, तो यहाँ यूज़ करेंगे इट का, इट इज़ अ पेन। नेक्स्ट सिक्स्थ है एक फ्लावर पॉट, तो यहाँ फ्लावर पॉट के लिए यूज़ करेंगे थिंग के लिए इट का, इट इज़ अ फ्लावर पॉट। नेक्स्ट है एक मैन जो कि कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो यहाँ यूज़ करेंगे मैन के लिए ही का, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। और लास्ट है जिसमें एक लेडी क्या कर रही है, टॉयज को सेल कर रही है, तो यहाँ यूज़ करेंगे लेडी के लिए शी का, शी सेल्स टॉयज, ठीक है। इस तरह से ये था वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट के सॉल्यूशन देख रखे हैं तो ये असेसमेंट करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन फर्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग, तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें हिंट के तौर पर वर्ड्स दे रखे हैं इट, एग, इन, एंड, बट, इनका यूज करते हुए हमें नए वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ बनाएंगे इट से फिट, बिट, सिट, एक से बनाएंगे पिग, बिग, डिग, इन से बनाएंगे विन, फिनिश, टिन, एन से बनाएंगे एंट, एनिमल, एंकर, अट से बनाएंगे बट, ऑटम, कट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फिल द मिसिंग लेटर, यहाँ हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, इनके हमें क्या आने चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए लिखने, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें मिसिंग लेटर दे रखे हैं इन वर्ड्स के, इन पिक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन्हें फिल करके इन्हें कंप्लीट करना है। सबसे पहले पिक्चर क्या दिख रही है, एक रेडियो की, तो यहाँ आर और ओ दे रखा है, हमें क्या लिखना है, आर ए डी आई ओ, रेडियो की स्पेलिंग क्या होती है, आर ए डी आई ओ, रेडियो, तो यहाँ हमें लिख देना है ए डी आई, जिससे कंप्लीट हो जाएगा आर ए डी आई ओ, रेडियो। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर में एक हैंडपम्प, तो यहाँ लिखेंगे ए एन यू एम से कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा, स्पेलिंग जो होती है हैंडपम्प की वो होती है एच ए एन डी पी यू एम पी, हैंडपम्प। नेक्स्ट पिक्चर में है एक स्कूटर, तो यहाँ लिख देंगे सी डबल ओ, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा स्कूटर की पिक्चर, एस सी डबल ओ टी ई आर, स्कूटर। और लास्ट पिक्चर है जिसमें हमें एक डॉक्टर दिख रहा है, यहाँ डी सी आर दे रखा है, हम लिख देंगे ओ टी ओ आर, ओ टी ओ, ठीक है, जिससे कंप्लीट हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर की स्पेलिंग होती है डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन, यहाँ ए एन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। मैंने आपको बताया है एन का यूज़ होता है वोवल के साथ, वोवल कौन से, ए ई आई ओ यू, और बाकी सभी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ में यूज़ करते हैं ए का। तो यहाँ फैन है तो फैन के साथ में यूज़ करेंगे अ फैन, एप्पल, एप्पल के साथ यूज़ करेंगे एन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के साथ में यूज़ करेंगे एन का, ओ से स्टार्ट है, बुक, तो यहाँ लिखेंगे अ बुक, इरेजर, ई से स्टार्ट है, एन लिखेंगे एन इरेजर, पी पेन, पी से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे अ पेन, अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट है, एन अम्ब्रेला लिख देंगे, आइसक्रीम, आई से स्टार्ट है, एन आइसक्रीम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यहाँ हमें सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोनाउन को चूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है, या तो ही का यूज़ करना है या शी का यूज़ करना है। तो शी का यूज़ करते हैं हम वुमेन और गर्ल के लिए, और ही का यूज़ करते हैं मैन और बॉय के लिए। तो यहाँ देखते हैं, ए है दिस इज़ दीपिका, जो कि गर्ल का नेम है। यहाँ लिखेंगे ब्लैंक इज़ अ गर्ल, गर्ल के लिए यूज़ करेंगे शी, शी इज़ अ गर्ल। बी है दिस इज रोहन, ब्लैंक इज माय फ्रेंड, रोहन के लिए यूज़ करेंगे ही इज माय फ्रेंड। सी है दिस इज मोनिका, ब्लैंक इज माय सिस्टर, अब मोनिका के लिए यूज़ करेंगे शी का, सिस्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे शी का, तो यहाँ लिख देंगे शी इज माय सिस्टर। डी है दिस इज गोविंद, ब्लैंक इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ गोविंद एक बच्चे का नाम है या मैन का नाम है, तो यहाँ यूज़ करेंगे ही का, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से ये था असेसमेंट नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन, जिसमें कॉम्पिटेंसी में दे रखा है कैन यूज़ प्रोनाउन दिस दैट। अब यहाँ कौन से प्रोनाउन सीखने वाले हैं हम, दिस दैट का यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर है जिसमें एक पॉट दे रखा है, तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमें बता रखा है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस इज अ पॉट, सेकेंड में एक गेंद है, बॉल है, तो यहाँ यूज़ कर रखा है दैट बॉल इज माइन, वह बॉल मेरी है। तो यहाँ इसी तरह से हम यूज़ करते जाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस में दिस का, सेकंड में दैट का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड में जो पिक्चर है वो क्या है, पेन की, तो ये क्या है, दिस इज़ अ पेन, यह पेन है। अब यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक पेंसिल्स इज़ योर, तो दिस पेंसिल इज़ योर, ये हम नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे दैट पेंसिल इज़ योर, वह पेंसिल तुम्हारी है। इसी तरह से फिफ्थ में लिखेंगे दिस इज़ अ बुक, सिक्स्थ में एक फ़ैन है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज़ अ फैन, वह फैन है। नेक्स्ट है एक कैप की पिक्चर, एक हैट की पिक्चर है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ हैट। और लास्ट है एक पिक्चर जिसकी जो कि बॉल की दे रखी है, तो यहाँ यूज़ करेंगे दैट इज़ अ बॉल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दिस दैट का यूज़ किया हमने। ये था वर्कशीट 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और लास्ट इस वीडियो का रहेगा हमारा वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, लोकेट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें उनके नेम्स लिखने हैं, आपको सबसे पहले पिक्चर्स के अकॉर्डिंग करेक्ट स्पेलिंग के साथ में उन वर्ड को आना चाहिए, तभी आप इन्हें फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पिक्चर किसकी दे रखी है, बलून की, बलून से काफ़ी सारे, तो यहाँ बलून नहीं लिख के बलून्स लिखेंगे। बलून की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए डबल एल डबल ओ एन एस, बलून्स लिखेंगे, ठीक है। बी हमें हिंट के तौर पर भी दे रखा है। नेक्स्ट में है मैंगो, तो यहाँ एक से ज़्यादा मैंगो है, 3 मैंगो है, तो यहाँ लिखेंगे मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, ई एस लगा देंगे मैंगो के आगे, यहाँ एम हमें हिंट पे तय रखा था। नेक्स्ट पिक्चर में है स्टार, यहाँ 5 स्टार है, तो यहाँ लिखेंगे स्टार्स, एस टी ए आर एस, स्टार्स यानी तारे। नेक्स्ट में है काफ़ी सारे फ्लावर्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो यहाँ फ्लावर्स लिखेंगे, फ्लावर्स की स्पेलिंग होगी एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल। और लास्ट पिक्चर है जिसमें 3 अम्ब्रेला दे रखे हैं, तो यहाँ अम्ब्रेलाज लिखेंगे, यू एम बी आर ई डबल ए एस, ई एस, ठीक है, अम्ब्रेलाज यानी छाते। तो इस तरह से ये था वर्कशीट नंबर 21 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग उनके नेम लिखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा वर्कशीट 21, वर्कशीट 19 और असेसमेंट नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी और भी वर्कशीट्स देखते रहेंगे, आपकी क्लास से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।